नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। ये है छोटी होली का वीडियो। इस दिन मैं बना रही थी सूजी की मठियाँ। तो आप सभी को छोटी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे बनाई है मैंने होली के लिए सूजी की मठियाँ, और इस तरह बनाकर इन्हें मैंने स्टोर कर लिया है। ये काफ़ी दिन चल जाती हैं। तो सूजी की मठी की जो रेसिपी का फुल वीडियो, वो मेरे कुकिंग के चैनल पर है। मेरे चैनल का नाम है आन्या लाइफस्टाइल। तो वहाँ पर मैंने ये सारी रेसिपीज़ जो मैंने होली के लिए बनाई हैं, जो भी चीज़ें बनाई हैं पकवान, वो उन सब की रेसिपी मेरे चैनल पर है। तो यहाँ पर मैं शेयर नहीं कर पाई, बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने होली के लिए क्या क्या बनाया था। तो सूजी की मठियाँ भी बन गई हैं, और यहाँ पर बन रही है चाशनी, क्योंकि मैं बना रही हूँ मालपुआ। तो मालपुआ का भी मेरा जो जो रेसिपी है, उसका पूरा वीडियो फुल रेसिपी का मेरे चैनल आन्या लाइफस्टाइल पर है। तो यहाँ पर चाशनी बन गई, साथ भी बन रहे हैं मालपुए, और चाशनी में मैं इन्हें डालती जाऊँगी। साथ में मैंने रबड़ी भी बनाई है। तो ये सारे वीडियोस अगर आपको देखने हैं मेरे सारी रेसिपीज के, जो मैंने होली के लिए बनाई हैं, तो आप मेरे चैनल आन्या लाइफस्टाइल पर जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने चैनल का नाम भी है वीडियो में ही मेंशन कर दिया है शुरू में ही। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब ये कांजी वड़ा, जिसके लिए मैंने दाल, मूंग दाल और उड़द दाल को भिगोकर बनाया था, और रेसिपी ये भी मेरे चैनल पर ही है। तो अभी मैं बस सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इस चैनल पर भी मैंने आपसे कुछ तो शेयर करना था। तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई थी होली के, मतलब क्या क्या मैंने बनाया, तो मैं अभी यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, अलग से नहीं कर पाई थी इस चैनल पर। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं कांजी का पानी तैयार कर रही हूँ। तो फुल रेसिपी के लिए आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। और यहाँ पर क्योंकि मैं व्लॉग शेयर करती हूँ आपसे, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें होली के लिए बनाकर तैयार की थी। तो आज छोटी होली है, तो काफ़ी चीज़ें मैंने बना ली थी पहले से ही, ताकि होली वाले दिन आराम रहे और हम होली को इंजॉय कर सकें। तो इस तरह से बनाकर कांजी वड़ा भी तैयार कर लिया है। और आज छोटी होली है, तो पूजा भी करनी है, शाम को होलिका दहन है, तो उसके लिए मुझे भी पूजा भी करने जाना है। तो यहाँ पर देखिए मावा तैयार करके रख दिया है, सारी चीज़ें मिक्स हैं इसके अंदर, मेवा वगैरह। तो यहाँ पर हमारी गुजिया भी तैयार है। गुजिया इस बार मैंने अपने चैनल पर शेयर नहीं किया, क्योंकि उसका वीडियो मैं बहुत पहले अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, गुजिया का वीडियो। और चंद्रकला गुजिया का वीडियो भी मेरे आन्या लाइफस्टाइल चैनल पर है। तो यहाँ पर मैं फिर से वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि होली के गाने चल रहे हैं और कॉपीराइट का आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है कि कॉपीराइट ना आ जाए। तो मैंने बीच में भी एक ऐसा ही म्यूज़िक डाल दिया था। तो यहाँ पर देखिए गुजिया वगैरह बनी हुई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मेरी सारी रेसिपीज़ जो है, वो मेरे दूसरे चैनल पर मैंने शेयर की हुई है, थोड़ा बहुत मैंने सोचा यहाँ भी शेयर कर लूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा जो मालपुए हमने बनाए थे, वो है इसमें। मालपुए मैंने आपको दिखाए हैं अभी किस तरह से बने हैं, और ये स्टोर करके रख दिए सारी चीज़ें, मतलब 4-5 दिन तो चल जाती हैं। तो जब तक होली है, तब पहले बना ली हैं चीज़ें। और किचन की हालत देखिए कितने मैस हो रहा है। और ये देखिए दही भल्ले भी बनकर भल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। बाकी चीज़ें इनकी चटनी वगैरह भी मैंने बना ली है, जो चटनी बनाते हैं ना हम उसके लिए, भल्ले के लिए, वो भी मैंने बनाकर रेडी करके रख दी है। और भल्ले बनाकर इनको भिगोकर पानी में रख दिया, मतलब काफ़ी काम मेरा हो चुका है, ताकि होली वाले दिन बहुत ज़्यादा काम ना रहे। होली की पूजा करने के लिए वहाँ पे जो होलिका लगी है, तो आज छोटी छोटी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान आपका त्यौहार बहुत अच्छा करे। तो आज होलिका दहन है, और होलिका की पूजा करने के लिए मैं जा रही हूँ। तो आपको दिखा तो नहीं पाऊंगी, क्योंकि शायद कैमरा लेकर नहीं जाऊँगी। तो चलिए पूजा कर लेते, थाली आपको पूरी दिखाऊंगी अभी लगा के, कैसे यहाँ पे होलिका की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी होलिका पूजन के लिए जाना है, कपड़े चेंज करने। सारा दिन सुबह से पूजा करने के टाइम नहाकर जो पूजा कर रहे थे, वही कपड़े पहने हुए हैं, उसी से सारा दिन काम किया है। तो अब मन कर रहा है कि शाम की पूजा के लिए जो जाना है, उसके लिए मैं कपड़े चेंज कर लूँ। तो यहाँ पर थाली देखिए रेडी हो चुकी है, हलवा पूरी है, 2 गुजिया हैं, गुलाल है, फूल हैं, और यहाँ बालियाँ हैं उसकी, गेहूँ की होती हैं शायद ये, ज्वार की, और लोटा तैयार कर रखा है, घी का दीपक, धूप वगैरह है। फ्रेंड्स, मैं रेडी हूँ जाने के लिए
होलिका पूजन के लिए मैं रेडी हो गई हूँ और ऐसे ये सूट पहन लिया है मैंने। और आप सभी को मेरी तरफ से छोटी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, होलिका दहन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका त्यौहार बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए होलिका की, तो चलिए फिर आपको दिखाती हूँ। मैं वैसे कैमरा उधर नहीं लेकर जाऊँगी, कैमरा तो नहीं लेकर जाऊँगी, देखती हूँ ले जा पाई तो ले जाऊँगी। तो चलिए फिर देखते हैं, मैं आपको थाली दिखा देती हूँ अपनी। तो ये देखिए थाली है, ये पूजा की, होलिका पूजन के लिए जा रही हूँ। तो चलिए आप भी चलिए देखिएगा किस तरह से होती है। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए मैं होलिका के पूजन के लिए आ गई हूँ। काफ़ी लोग पूजा कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने भी पूजा कर ली। उसके बाद जो है हम शाम को मूवी देखने के लिए निकल पड़े थे, वीर सावरकर। बहुत अच्छी मूवी लगी मुझे, आप भी जाकर देखिएगा, बहुत ही प्यारी सुंदर मूवी है। और बहुत अच्छा इसमें जो है रोल किया है रणदीप हुड्डा ने, बहुत ही बढ़िया सा। तो आप जरूर से जाकर देखिएगा, मुझे ये फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो आप भी जरूर देखिए, देखने जाइएगा। तो अभी मूवी ख़त्म हो गई है, तो अब हम जाएंगे घर। और अब आपसे मैं कल मिलूँगी सुबह, होली वाले दिन यानी कि 25 मार्च की। तो तैयारी कीजिए खूब सारी होली की।